हेलो दोस्तों, मैं हूँ केविन मोदी और आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग का साउंड बार जो कि है Q700B। तो ये साउंड बार हमने होम थिएटर पर्पस के लिए परचेस किया है जो कि हमने प्रोजेक्टर पे ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करके हमने ये इस्तेमाल किया है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह का ये प्रोजेक्टर आता है, और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप को हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है साउंड बार और इसका बॉक्स कुछ इस तरह का आता है, आप देख सकते हैं। इसमें अंदर आता है साउंड बार और इसके ऊपर आता है सब वूफर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ये बॉक्स ओपन कर दिया है तो हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो मैं अब आपको उसकी डिज़ाइन और किस तरह का सब है वो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके क्वालिटी और बिल्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है साउंड बार, आप देख सकते हैं कि इतना लंबा है, और ये साथ में है सब वूफर जो कि इस तरह का दिखता है, ये बीच में एलेक्सा है। तो ये साउंड बार की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं और इधर सैमसंग की बैजिंग दी गई है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इधर एक स्पीकर है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, फिर आता है इधर एक स्पीकर, फिर एक साइड पे इधर आता है एक स्पीकर, इधर है एक बीच में कहीं पर, इधर एक और इधर एक और इधर एक। तो इतने स्पीकर टोटल आते हैं जिससे आपकी ऑडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसमें और डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट आपको मिलता है जिससे ऑडियो की क्वालिटी और भी एनहेंस हो जाती है। ऊपर इधर ऊपर पावर, वॉल्यूम प्लस माइनस और HDMI या फिर ब्लूटूथ कंट्रोल के लिए आपको दिया है। और ये है सब वूफर। ये सब वूफर आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसमें अगर आगे की साइड इधर इस तरह का मटेरियल है और इधर आता है सैमसंग का बैजिंग, और पीछे देखने जाए तो पीछे खाली पावर केबल का ही दिया गया है। ये सब वूफर और साउंड बार है दोनों वायरलेसली कनेक्ट एक दूसरे से हो जाते हैं। तो खाल आपको और सिर्फ ये पावर केबल का ही करना है आपको। तो हमने अब बात कर ली बिल्ड क्वालिटी और उसके मटेरियल की, तो अब वक्त है ऑडियो सुनने का। तो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऑडियो में आप मेरे माइक के द्वारा आपके फ़ोन या डिवाइस से आप सुन रहे होंगे तो आपको एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी की समझ नहीं आएगी। तो मैं अपने ओर से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छा ऑडियो क्वालिटी आए। तो अब हम ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं। सबसे पहले ये डिवाइस को ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, तो इधर आ गया है और आपको इधर एक डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। Now connected to Kevin's S22 Ultra. तो इस तरह से कनेक्ट हो चुका है, अब हम सुनेंगे इसका ऑडियो क्वालिटी। तो मैं ये म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ फुल वॉल्यूम पर। जैसे कि आपने सुना इसकी ऑडियो क्वालिटी, तो मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले। तो इसमें आपको मेन तीन तरीके से आप किसी भी टीवी और या प्रोजेक्टर को आप कनेक्ट कर सकते हैं।
एक तो ब्लूटूथ जो कि 5.1 इसमें आता है, एक है HDMI ARC। अगर आपके टीवी में HDMI ARC का सपोर्ट हो तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा आता है ऑप्टिकल। तो ये तीन तरीके से आप साउंड बार को आप अपने टीवी या किसी और डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये साउंड बार और सब वूफर दोनों वायरलेसली कनेक्ट अपने आप हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उसकी दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपके पास एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट का डिवाइस है तो आप उससे भी ये साउंड बार के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ कहना होगा, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग ऑन साउंड बार, तो वो आपका सॉन्ग प्ले कर देगी। अगर आप सैमसंग यूज़र हैं और आप अगर सैमसंग का डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपके फ़ोन में एक ऐप आती है स्मार्ट थिंग्स करके। उस स्मार्ट थिंग्स से आपका साउंड बार जो है ये है वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर आपके मोबाइल में सारे उसके सेटिंग्स और मोड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप कहीं से भी आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है सैमसंग यूज़र्स के लिए। आपको ये प्रोडक्ट डॉल्बी एटमोस के साथ आता है, जो कि पूरा रूम आपका साइज मेजर करके उस तरह से आपको ऑडियो प्रोवाइड करेगा। तो कुछ इस तरह से आपको ऑडियो दिखाई देगा या सुनाई देगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने ये साउंड बार यूज़ करने के लिए शुरू कर दिया है, तो हमने कल एक मूवी देखी थी पठान, उसमें हमने ये साउंड बार को टेस्ट और ट्राई किया था। तो उसके रिजल्ट्स भी मैं ये वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आपको पता चले हमने वो मूवी है वो प्रोजेक्टर में ये ब्लूटूथ के द्वारा जो पेयर करके हमने देखा था, तो आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। फिर तो पूछेगा पठान। तो अगर आपको कोई भी डाउट होए कि ये साउंड बार किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, क्या फीचर्स है, आपको कुछ और जानना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।